यानी किसको कहते हैं हम? अग्नि को, isn't it? अग्नि, गर्मी. तप यानी कुछ तपना. जैसे पानी तपता है तो पानी की अशुद्धियां नष्ट हो जाती है ना. सोना जब तपता है तो उसकी भी अशुद्धियां जाती है, और अशुद्धियां जाने से लाभ क्या होता है? अब हम उन्हें किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं. यस, लोहा तपता है तो लोहा तपने से भी लाभ क्या होता है? उसका मल जाता है, लेकिन अब हम लोहे को किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं. ऐसी ही कुछ तप की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है, और वही तो हम कर रहे हैं इतने सालों से. वह मार्ग क्या है, कैसा है, ऐसा रहे हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इस सत्संग के अंतर्गत उस मार्ग को वापस थोड़ा अलग ढंग से रिडिफाइन करेंगे थ्रू नेक्स्ट सूत्र, सूत्र नंबर 43. कायेन्द्रिय सेधि शुद्धि क्षयात तपस. सीधा तीसरा सूत्र दे दिया नियम का. पहला क्या था? शौच. दूसरा संतोष. और तीसरा तप. अब ये तप शब्द को हर जगह, हर इज्म में इसका उपयोग किया गया है. पतंजलि योग सूत्र में जब इसका उपयोग हो रहा है तो देखिए, वो सीधा सिद्धि बता रहे हैं, प्राप्ति क्या होगी. संतोष से क्या प्राप्ति होगी? सुख का लाभ होगा. बाह्य शौच से क्या प्राप्ति हो रही थी हमें? दूसरे का अट्रैक्शन, अटैचमेंट छूट जाता है. आंतरिक शौच से क्या होता है? आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है. अब यहाँ पर कह रहे हैं तप से क्या प्राप्त होगा? तप से काया और इंद्रिय की सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी अशुद्धियाँ चली जाती है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज नाउ अनफोल्डिंग, ध्यान से सुनना. क्योंकि तप को पतंजलि योग सूत्र और करंटली मैं जिस डायमेंशन से आप तक ला रही हूँ, वो एक बहुत डिफरेंट नया डायमेंशन है. काया और इंद्रियों की सिद्धि तप से होती है, अशुद्धि का क्षय होता है. तप यानी गर्माहट. उपवास को खाली तप मत कहना. मैं आपसे पूछूं तप क्या है, तो बाय डीएनए एंड बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से निकलेगा उपवास. तप के अंदर कुछ गलत करने की शक्ति हमारी अपने आप खत्म हो जाती है. हमने देखा हमेशा हम उपवास करेंगे तो कुछ गलत करने की शक्ति का ही सबसे पहले नाश होता है. लेकिन द बैड पार्ट ऑफ द रॉन्ग पार्ट ऑफ तप इज दैट कि कुछ अच्छा करने की भी शक्ति हमारी खत्म हो जाती है. डू यू एग्री और नॉट? तप में हम कुछ इंद्रिय विषय आदि के भोग की शक्ति तो हमारी खत्म होती है, लेकिन उसी तप के अंदर वो पैशन भी खत्म हो जाता है, वो जोश. ठीक है, तो मेरे सानिध्य में 3-4 घंटे आते थे तो जोशीले दिखते थे, लेकिन बाद में वापस यू ऑल्सो नो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एबिलिटी टू वर्क है वो सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं डिटेरियरेट होता है, कम होता है. वी ऑल एग्री. तो यहाँ पतंजलि के योग सूत्र में जब तप शब्द आता है ना, तो तप का अर्थ उपवास बिल्कुल ही नहीं है. तप का अर्थ है गर्माहट को पैदा करना. तप का अर्थ है कुछ गर्माहट पैदा हो, उष्मा पैदा हो. और जीवन का अनुभव क्या कहता है? गर्माहट पैदा कब होती है? जब दो की रगड़ हो, घर्षण से तप होता है. ये सूत्र आज लिखो. घर्षण से गर्माहट आती है, उस जाति के घर्षण से. हाँ, जाति भी तो सेम चाहिए. अब तुम बर्फ की सिल्ली को रगड़ोगे माचिस के उससे तो नहीं होगा काम. जहां रगड़ आएगी ना, वहां उष्मा आएगी, वहां गर्माहट आएगा ये. और इस गर्माहट के आने से काया और इंद्रिय की सिद्धि प्राप्त होती है. काया की सिद्धि और इंद्रिय की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? वो दोनों शुद्ध हो जाती है.
देखते हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां काया की प्राप्त होती है। पहली सिद्धि अणिमा, अणिमा यानी शरीर को सूक्ष्म कर लेना। पहले इसके स्थूल अर्थ समझ लो। जब हम तपते हैं यानी हमारे भीतर उष्मा प्रकट होती है, तप करके तुम ठंडे हो रहे हो उस तप की बात नहीं है, तप करके तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी का आउटबर्स्ट हो रहा है, समथिंग अनयूजुअल एनर्जी इज अराइजिंग विद इन यू। तो 8 प्रकार की काया की शरीर की सिद्धियां प्राप्त होती है। पहली अणिमा यानी शरीर को सूक्ष्म कर पाना, दूसरा लघिमा यानी शरीर को हल्का कर लेना, तीसरा महिमा यानी शरीर को बड़ा कर लेना, चौथा प्राप्ति यानी जिस पदार्थ को चाहे उस पदार्थ को प्राप्त कर लेना, पदार्थ को जो भी भौतिक जगत का पदार्थ चाहते हो उस पदार्थ को आप प्राप्त कर लो, ये काया सिद्धि प्रकट होती है। पांचवा प्राकाम्य, बिना रुकावट के हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, निर्विघ्न कार्य होते हैं। छठा वशित्व, पांचों भूतों को आप वश में कर सकते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को आप वश में कर सकते हो, और योगियों को दिखाया जाता है हर एक इंद्रिया हर एक भूत उनके वश में है। सातवां ईशित्व यानी भूत भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश का सामर्थ्य आता है, यूं बोला और ये विनाश हो गया, यूं बोला ये जल गया, ये सब कितनी स्टोरीज देखी है ना तुमने, तो वो श्राप दे दिया, वो जल गया, यूं किया और वो भस्म हो गया, यूं किया फूल प्रकट हो गया, ये जो शक्तियां हैं काया की शक्तियां हैं ऐसा सब प्रतीकात्मक बातें हैं। तो ये शक्ति प्रकट होती है ईशित्व से कि भूत भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति विनाश का सामर्थ्य आ जाता है। और आठवां यत्र कामावसायित्व, ये एक और सिद्धि प्रकट होती है यानी हमारा प्रत्येक संकल्प पूरा होता है। इच्छा होती है वो अलग बात है, संकल्प अलग बात हो। इच्छा होती है अपनी अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना, और संकल्प होता है जन समूह के लिए जो कल्याण रूप है उस इच्छा का पूरा होना, यानी संकल्प और इच्छा में बहुत फर्क है। ये 8 प्रकार की काया सिद्धि होती है किससे, तप से। तप यानी उष्मा, कुछ गर्माहट, और गर्माहट कब पैदा होगी, जब कुछ घर्षण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम डेरिवेशन पर आ रहे हैं इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां, काया की सिद्धियां तप से प्रकट होती है, और तप क्या है, उष्मा। और इंद्रियों की भी सिद्धि प्राप्त होती है, इंद्रिय की सिद्धियां क्या है, तो कर्णेन्द्रिय की सिद्धि ये होती है कि हमें दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लग जाए, हमें दूर की ध्वनियां सुनाई देने लग जाए। आंखों की सिद्धि क्या होती है कि हमें दिव्य दर्शन होने लग जाए। नाक की सिद्धि क्या होती है, हमें दिव्य सुगंध आने लग जाए। और मुंह की सिद्धि क्या होती है कि हमें रस हमारे अंदर, जो हम कहते हैं ना कई बार रस बहता है, एंड एसआरएम बिलीव्स इन दैट सिद्धि, मुंह के अंदर पानी आ जाना, भर जाना, और उसमें एक मिठास का गुण उतर आना, अमृत का घूंट पीना, सुधा रस जिसको हम कहते हैं, वी डू बिलीव इन दैट टाइप ऑफ सिद्धि। लेकिन ये 8 पहले की और 4 बाद की, ये सारी सिद्धि प्रकट कब होती है, जब हम तप के अंदर प्रवेश करते हैं। और तप क्या है, ऊष्मा, किसी गर्माहट की बात कर रहे हैं। ये गर्माहट हम अपनी साधना में कैसे प्रकट करते हैं, साधना के लिए स्वराज क्रिया, प्राण क्रिया, वॉट एवर क्रिया, जो भी हमारे चक्रज हैं, ये सारा सबको पता है, आई एम नॉट रिपीटिंग, ओके। जब आप स्वराज क्रिया करते हैं, तो सबसे पहला घर्षण होता है, गाइडेड मेडिटेशन होता है ये, इसलिए सबसे पहला घर्षण होता है गुरु का निर्देश और तुम्हारे मन की इच्छा के बीच, पहला घर्षण, संघर्ष शुरू हो गया। गुरु का निर्देश क्या है, यहां उपयोग ले जाओ, ब्रीदिंग इस तरह से करो, ऐसा करो वैसा करो, और मन कहां चाहता है, भूत और भविष्य में भटकना। सो द फर्स्ट स्ट्रगल बिगिंस हियर, पहली उष्मा यहीं जाग जाती है। यू मस्ट सेलिब्रेट दिस थिंग।
तीन प्रकार की ऊर्जा जागेगी. गुरुज डायरेक्शन जो भी, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ गाइडेड मेडिटेशन चाहिए. तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते इन द बिगनिंग. पहला घर्षण, तुम्हारा मन कहीं और जाना चाह रहा है और गुरु का डायरेक्शन किसी और दिशा में है. घर्षण शुरू हो गया, तप तुम्हारा शुरू हो गया. तपस्या यही तो है, मन कुछ और चाह रहा है और तुम कुछ और संयम लेके बैठे हो. अब यहाँ पर गुरु ने संयम दे दिया, जो मैं बोल रही हूँ वही करना है 21 मिनट तक, और मन कहीं और जा रहा है. पहली उष्मा प्रकट हो गई. दूसरी प्राण, प्राण ऊर्जा, दूसरी शक्ति. जो नेचुरल फ्लो ऑफ प्राण है ना तुम्हारी बॉडी का, वो कुछ और है. लेकिन बाय द स्वराज क्रिया हम प्राण की ऊर्जा, उसकी गति, उसकी डायरेक्शन जो है उसको कहीं और हम लेके जा रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं. वो नेचुरली उस 21 मिनट में उसका नेचुरल फ्लो जो था ना वो नीचे की तरफ था, लेकिन हम उसको ऊपर की तरफ उठा रहे. तो दूसरा घर्षण शुरू हो गया. द सेकेंड टाइप ऑफ उष्मा हैज बिगन हेयर. तप है ये, इसलिए SRM में मैं दूसरी तरह के तप को बहुत प्रमोट नहीं करती. आई ओनली प्रमोट दिस वन टाइप ऑफ तप, दैट इज स्वराज क्रिया. क्योंकि इसके अंदर तीनों प्रकार से हम उष्मा, जो तीन प्रकार से संभव है, तीनों प्रकार की उष्मा को जागृत करते हैं. विद दिस स्वराज क्रिया जो अभी आप लोग कर रहे हैं, इसके अंदर अब हमारा थर्ड घर्षण भी शुरू हो गया है, स्पेस एंड टाइम का. यस, तुम करंटली इस स्पेस में हो, लेकिन यू फील यू आर इन दिस स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस. हम लोग का जो भी एक स्टेप है स्वराज क्रिया का, उसमें आपके एग्जिस्टिंग स्पेस और आपके पॉसिबल स्पेस, यूनिवर्सल स्पेस के बीच भी एक घर्षण शुरू हो जाता है. और ये तीनों प्रकार के घर्षण, ये तीनों प्रकार के जो भी डायरेक्शन कहो, के ऊर्जा का मोमेंटम कहो, या स्पेस टाइम की जो एक्सपेंशन है, ये उस जाति की ऊर्जा को, एनर्जी को हमारे में सक्रिय करती है, जो हमारे सत्व, रजस, तमस तीनों को ऑप्टिमम लेवल पर ले आती है, जो नेसेसरी है. तप यानी तपना, कुछ गर्म होना. और इट इज नॉट असेंशियल, नॉट एट ऑल असेंशियल कि तुम्हें गर्मी लगनी ही चाहिए. नॉट असेंशियल. ऑल्दो ऐसा होता है कि आप शुरू करते हो तो आपको गर्माहट आ ही जाती है, लेकिन असेंशियल नहीं है. कितनी ही बार शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, वो भी तप है. क्योंकि तप का मीनिंग क्या है, तप का मीनिंग क्या है, गर्माहट, उष्मा. और जो ठंडापन है वो उष्मा का ही एक दूसरा रूप है. Yes or no? Heat and cold, they are part of one and the same energy level. अगर इस energy पर, इस energy की vibration पर heat यहाँ है, तो cold उसका दूसरा सिरा है. So अगर आपकी शरीर ठंडा भी हो रहा है, आपको उष्मा नहीं भी feel हो रही, तो भी you have entered into the river of tapa, जो हम बताना चाह रहे. ये तप है. This is a revolutionary satsang. स्वराज क्रिया की इंपॉर्टेंस, एंड वी नीड सच पैकेज. क्योंकि तुम तप 12 प्रकार के जैनिज्म के तप करो, या उधर 10 प्रकार के भगवत गीता में बताए हुए तप करो, लेकिन जब तक योर तप डजंट कम इनटू दिस कैटेगरी, जब तक आपके तप के अंदर ये तीन गुणवत्ताएं, ये तीन क्वालिटीज नहीं आती, तब तक आप तप का जो वास्तविक सिद्धि थी वो आपको नहीं मिल सकती. और वास्तविक सिद्धि क्या है, अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकात्य वशित्व इशित्व. ये तप कौन सा तप, स्वराज क्रिया रूपी तप, प्राण क्रिया रूपी तप, हृदय क्रिया रूपी तप, सोहम क्रिया रूपी तप. जितने तप मैं करा रही हूं ना, दे आर समवेयर कैलिब्रेटेड. आप केमिस्ट के पास या डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, इतनी सी दवाई होती है, इतनी सी दवाई खाते हो, पेट में जाती हो, सिर का दर्द ठीक होता है. अरे पेट में जाती हो तो पेट का दर्द ठीक होना चाहिए ना. पेट में जाती हो और पैरों का दर्द ठीक होता है. हाउ इट इज डिजाइन इन सच अ वे. इसी तरह स्वराज क्रिया इज अ योगिक एक्सपेरिमेंट.
और उस योगिक एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप एक बार करते हैं तो उसे न जाने कहां कहां के तुम्हारे मिस वायरिंग, रीवायरिंग एंड राइट वायरिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अणिमा, लघिमा, महिमा, ये तीन काया की शक्तियां हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, शरीर को सूक्ष्म करना, हल्का करना, बड़ा करना, ये मानसिक और बौद्धिक शरीर की बात हो रही है। हमारा मानसिक और बौद्धिक शरीर जो है, मन मन या बुद्धि की बात है, तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? सूक्ष्म हो जाती है। हमारा मन कैसा होता है? सूक्ष्म चीजों को भी पकड़ पाता है, क्योंकि आंतरिक दुनिया ना अंधकार में है। उस अंधकार में कितनी ही घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि मन आपका सूक्ष्म नहीं है। पर आप जब तपते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि आपका मन सूक्ष्म हो जाता है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, मन हल्का रहता है। लघिमा, मन तुम्हारा हमेशा हल्का फुल्का रहेगा। और थर्ड में महिमा, बौद्धिक शरीर तुम्हारा बड़ा हो जाता है, जिसे परम कृपाणु देव ने क्या कहा, विशाल बुद्धि। तुम हर बात के एंगल को, डायमेंशन को राइटली समझ पाते हो। तुम्हें कभी इस तरह करते हुए स्वराष्ट्र की वैल्यू समझ में आती है कि नहीं, कि कितना कैलिब्रेटेड पिल तुम्हें दिया गया है, 21 मिनट का छोटा सा पिल, एंड कहाँ कहाँ ये वर्क कर सकता है। काया सिद्धि के अंदर ये कार्य कर रहा है। चौथा है प्राप्ति, जिस पदार्थ को चाहे उसे प्राप्त कर लेना, प्राकाम्य, बिना रुकावट के इच्छा पूर्ण होना। छठा वशित्व, पांचों भूतों का वश में होना। ऑल थ्री डिपिक्स अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इच्छा शक्ति हमारी एकदम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम जिस पदार्थ को चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अपना इंटरनल विल, हमारा आत्मविश्वास, हमारी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। बिना रुकावट के इच्छा पूर्ण होती है। भाई जब तुम्हारा विल इतना स्ट्रांग है तो तुम्हारा पैशन भी कितना स्ट्रांग होगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, नियमितता कितनी होगी, तो आप बिना रुकावट के उसे पा लेते हैं। और पांचों भूतों का वश में होना, यानी जो नेक्स्ट थ्री है, दे आर बेसिकली टेलिंग यू कि तपने से हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। वी आर गोइंग थ्रू द राइट प्रोसेस कि पहले हमने अपने मन और बुद्धि को उस तरह से एस्टैब्लिश किया, अब हम विल पावर को स्ट्रांग कर रहे हैं। क्योंकि मन बुद्धि को एस्टैब्लिश करने से पहले, मन और बुद्धि को राइटली एस्टैब्लिश करने से पहले, यदि विल पावर स्ट्रांग हो गया, तुम रावण बन जाओगे। रिलेट करो, मन और बुद्धि को सात्विक करने से पहले यदि आपका विल पावर स्ट्रांग हो गया, तो गलत करने में भी आप रावण की शक्ति आप लोगों में आ जाएगी। इसलिए वी गो विद दिस प्रोसेस। स्वराज क्रिया की उष्मा, उसकी गर्माहट, उसके तप से, स्वराज क्रिया का तप जो है, वो पहले हमारे भीतर मानसिक और बौद्धिक एक क्रांति लेकर आता है, उसके बाद हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। एंड सेवंथ एंड एट्थ, इशित्व और यत्र कामावसायित्व, ये जो दो है, ये फाइनली दे आर टेलिंग यू, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तुम्हारी, तुम जो भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का सामर्थ्य होता है, यानी जो उठाना चाहो उठा सकते हो, जो, अब डोंट स्टार्ट थिंकिंग इन दैट फॉर्म कि ये भस्म किया किसी को, ये फूल उगाया आकाश में, ये नहीं। तुम अपने जिस दोष को भस्म करना चाहते हो तुम कर पाते हो, जिस शक्ति को इन्वोक करना चाहो तुम कर पाते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। प्रत्येक संकल्प पूरा होता है, यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यानी तीन ही भाग में ये आठों आठ काया की सिद्धियां आ गई, काया की शक्तियां आ गई। पहला, माइंड और इंटेलेक्ट को राइटली इवॉल्व करना थ्रू सत्संग्स, इंडिपेंडेंट विल को सक्रिय करना, तुम्हारा जो आत्मविश्वास, आत्मबल, संकल्प शक्ति है वो सक्रिय हो, और उसके बाद फाइनली तुम जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन जी सको। 99% यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी, ओनली 1% ना उस अज्ञात कात्यायनी के हाथ में होता है,
और वो 1% के लिए तुम्हें 100% श्रद्धा को इन्वोक करना पड़ता है. यस, 99% इज इन योर हैंड्स. हम 99% पर काम नहीं करते और केवल 1% की ही इम्पोर्टेंस देंगे. तो श्रद्धा अगर तुम्हें पूरी है पर एफर्ट्स पूरे नहीं किए, व्हाट विल हैपन? श्रद्धा अकेली कुछ नहीं कर सकती. अलोंग विद योर एफर्ट्स, मतलब दाई विल, माई एफर्ट्स, हिज विल एंड हिज ग्रेस, ये तीनों मिलते हैं तब जाके फाइनली हम अपने भाग्य को निर्मित करते हैं. और यही आठों शक्तियां, आगे वो चार शक्ति भी थी, वे हैव रिटन दो शक्ति इसके बाद की. इंद्रिय सिद्धि के चार प्रकार, कान, दिव्य श्रवण करते हैं और दूर श्रवण करते हैं. ये बढ़िया है. दिव्य श्रवण यानी जो ब्रह्मांड का नाद है सुनाई देता है, हम में भी कितनों को सुनाई दे रहा है अब तो. यस, दूर श्रवण यानी कहीं दूर में सुना है ना, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले सदगुरु के जो वचन सुने हैं ना, वो अभी भी कान में गूंज रहे हैं. दूर श्रवण, ये सिद्धियां प्राप्त होती है. आप कुछ गलत करने के लिए स्टेप इन हो रहे हैं और वहीं आपको अपने गुरु के वचन याद आ जाते हैं, अरे प्रभु ने तो ऐसा बोला था, आई मस्ट नॉट डू दैट. ये दिव्य श्रवण यानी ब्रह्मांडीय ओम ध्वनि या जो कुछ भी चल रहा है उसका श्रवण, और दूर श्रवण यानी जो न जाने कितनी पहले सुना था, कितनी दूर सुना था, लेकिन वो भी अभी सुनाई देना यानी दिमाग में वो थॉट आ जाना, ये सिद्धि प्रकटती है. नेक्स्ट, आंखें, दिव्य दर्शन. वाओ, तुम्हें सदगुरु का दर्शन होता है बाह्य में कहें या अंतर मन की आंखों में भी, तुम्हें हर जगह वो दिव्यता का दर्शन होता रहे. ओ, हर जगह ईश्वर है, हर ओर ईश्वर का ही साम्राज्य है, ये सब फील होता रहे, ये सब दिव्य दर्शन है. नेक्स्ट, दिव्य सुगंध आती है हम लोगों को भी, कितनी बार फील किया है साधना में होते हैं अचानक दिव्य सुगंध आने लगती है, परिणाम है, ये सब रिवॉर्ड्स हैं. और मुंह के अंदर दिव्य रस जिसे हम सुधा रस कहते हैं, ये रस भी हमने कितनों ने फील किया है कि साधना करते करते अचानक पूरा मुंह हमारा भरने लग जाता है, ये बता रहा है कि आपने तप प्राप्त कर लिया है, तप किया है और उसका परिणाम आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है.